पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में अपना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल और सबसे डायनामिक किस्म का मैच खेलने के लिए इंडिया के शहर अहमदाबाद पहुंच चुकी है। अहमदाबाद के होटल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का उसी तरीके से वेलकम किया गया, वार्म वेलकम किया गया, जिस तरीके का वेलकम पाकिस्तान को हैदराबाद के सिटी में देखने को मिला था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होटल में वेलकम किया गया एक गुजराती ट्रेडिशन से, या एक जिसे कह लें कि लोकल ट्रेडिशन से, कि पाकिस्तान के हर प्लेयर के गले में वाइट कलर का एक स्कार्फ डाला गया। उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर फूलों की पत्तियों की बारिश भी की गई। यहां पर गेम नहीं रुकी, छत से, होटल की छत से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर गोल्डन कलर के इंतहाई खूबसूरत गुब्बारे भी फेंके गए। होटल का जो एंट्रेंस गेट था वहां पर आपको काफी लड़कियां भी खड़ी नजर आईं, जो कि गुजरात का एक ट्रेडिशनल गरबा डांस होता है, वो लड़कियां वो डांस परफॉर्म कर रही थीं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उन्होंने ये डांस करते हुए वेलकम किया। मतलब अमेजिंग सीन्स यार, वार्म वेलकम, इमोशंस, अमेजिंग सीन्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खास तौर पर इस वेलकम के दौरान ढोल बजाए गए और ढोल तो क्या कमाल बजाए गए। मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वेलकम को इतना ज़्यादा पसंद कर रही थी, इसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी थी कि काफ़ी सारे आप अगर वीडियोस देखें तो उसमें आपको पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इस वार्म वेलकम की वीडियोस बनाते हुए नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियोस उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी चढ़ी हुई अनकरीब आपको नजर आएंगी, या क्या पता काफ़ियों ने तो अभी तक अपलोड कर भी दी हो। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यार बड़ा ही ज़बरदस्त इंजॉय किया इस वार्म वेलकम को। हाँ, मोहम्मद रिजवान के बारे में कुछ इंडिया के मीडिया आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि वो शायद इस वेलकम से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। एक तो उन्होंने वो जो स्कार्फ था वाइट कलर का वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, दूसरा वो फूलों की जो पत्तियां उनके ऊपर निछावर की जा रही थी उससे भी ज़्यादा खुश नहीं थे। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है जेट लैग डों रिजवान, या तबीयत ना कोई थोड़ी ठीक हो। आपको पता है उनको क्रैम्प्स भी पड़े हुए थे पिछले मैच में, तो ये रीज़न हो सकती है, वरना ऐसा नहीं है कि मोहम्मद रिजवान खुश नहीं थे। देखें, स्कार्फ पकड़ने वाली बात तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ उसकी क्या रीज़न होगी। आप अगर फुटेजेस निकाल कर चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वेलकम के दौरान स्कार्फ डालने वाले कोई मेल नहीं थे बल्कि फीमेल्स थीं। और आपको पता है मोहम्मद रिजवान वो बड़ा ही अपने दीन को बड़ा ही स्ट्रॉन्गली फॉलो करते हैं, तो किसी मतलब आप कह लें गैर महरम या एक ऐसी खातून जिनसे जान पहचान ना हो, जो उनके लिए आप समझ रहे हैं ना, जो एक रिलीजन की तालीमात हैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो मोहम्मद रिजवान ने डेफिनेटली फिर यही किया होगा कि आप मुझे हैंडओवर कर दें, गले में डालना ज़रा मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा, जो कि एब्सोल्युटली समझ में आता है यार, उसकी एक पर्सनल स्पेस है, वो अपने दीन के मामलात को लेकर चलना चाहता है, तो एक इंसान को उसकी पर्सनल स्पेस में जो करने का वो उसका दिल करे उसका राइट हासिल है। तो वो मोहम्मद रिजवान ने इस वजह से वो स्कार्फ उनसे हैंड ले लिया होगा, बाय हैंड ले लिया होगा, वरना ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि उसने कहा होगा नहीं मेरे गले में ना डालो, मेरा मूड नहीं अच्छा या समथिंग लाइक दैट। इस चीज़ के बारे में आप बेफिक्र हैं, सबसे बेहतरीन किस्म के इखलाक या मोरालिटी या एथिक्स का मालिक है मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम में। तो अगर उसने स्कार्फ हाथ में पकड़ा हुआ था तो देयर मस्ट बी सम रीज़न, और वो मैंने आपको बता दिया है कि उनको अनकंफर्टेबल लगा होगा कि यार कोई नाम महरम जिसे उर्दू में वर्ड कहा जाता है वो खातून उनके गले में स्कार्फ डालें, तो उन्होंने बाय हैंड ले लिया होगा। बाकी वो जेट लैग्ड होंगे, थके हुए होंगे, इसलिए वो रिजवान के बारे में आप बिला वजह में अपनी तरफ से वो ना करें कि वो खुश नहीं होंगे या समथिंग लाइक दैट। 20 बंदे एक साइड के ऊपर इतने खुश हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सारा कुछ, एक क्यों ना खुश होगा, और एक भी वो जो कि सबसे ज्यादा ही बेहतरीन किस्म का इंसान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो इस चीज को छोड़ दें। अच्छा, अहमदाबाद लैंड करने से पहले जहाज के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा जबरदस्त किस्म का सरप्राइज मिला। जहाज का जितना भी क्रू था उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बड़ा जबरदस्त किस्म का केक प्रेजेंट किया, और इस केक के ऊपर लिखा हुआ था कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर देयर हिस्टोरिक रन चेस। 345 रन्स का जो टारगेट चेस किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के अगेंस्ट, वो आपको पता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, वर्ल्ड कप में इससे पहले इतना बड़ा टोटल कभी चेस नहीं हुआ। तो वो जो जहाज का जितना भी क्रू था, पायलट्स हो गए, एयर होस्टेसेस वगैरह हो गई, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो स्पेशल केक प्रेजेंट किया, वो केक कटा, वो सबने वो केक खाया, तो ये बड़ा अच्छा एक जो एयरलाइन थी उसकी तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सरप्राइज दिया गया, विच इज़ रियली नाइस यार। ये छोटे छोटे जो जेस्चर होते हैं ना ये बड़े मैटर करते हैं, ये किसी भी जगह पर आप जाएं तो आपको पता चलता है कि यार मैं यहाँ पर कितना ज़्यादा वेलकम किया जा रहा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे कितना ज़्यादा अपना रहे हैं। ये छोटे छोटे जो जेस्चर हैं ये बता रहे हैं कि यार इंडिया में ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेतहाशा किस्म का ना
जिसे कहते हैं कि एक अपनायत जो है वो मिल गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि मिलनी है या मिलेगी, नहीं सर मिल गई है। हैदराबाद में हो गया, ये जहाज में केक कटिंग की सेरेमनी हो गई, प्लस अहमदाबाद के अंदर जो होटल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वार्म वेलकम मिला, वो यार अपनायत मिल गई है। मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि आप हमारे जैसे ही हैं भाई, आप हमारी ही टीम है। हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट मिली वो कम सबूत है। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इट फील्स लाइक होम। तो बाकी जहां तक पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात रह गई, मैच तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। एक तो आप जैम पैक्ड क्राउड एक्सपेक्ट करें, मतलब आपको कोई सीट खाली नहीं मिलने वाली। आप इंतहाई फेमस किस्म के चेहरे इस मैच को देखते हुए आपको नजर आएंगे, बॉलीवुड से लोग आए हुए होंगे, बाकी जितनी भी मीडिया इंडस्ट्री है, जितनी बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, आपको उसके तमाम लोग, मतलब तमाम तो नहीं मैं कहूँगा, बड़े बड़े नाम आपको ये मैच देखते हुए नजर आएंगे। पॉलिटिशियंस आप देख लीजिएगा ये मैच देखने हुए आए होंगे, फॉर्मर प्लेयर्स आए हुए होंगे ये मैच देखने। इंडिया में आपको पता है कि सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, यूट्यूबर्स हो गए या दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, वो आपको ये मैच देखते हुए नजर आएंगे। तो मतलब ये मैच जो है ना, इसकी गेम ही डिफरेंट होने वाली है, इसकी लीग ही डिफरेंट होने वाली है, इसका लेवल ही डिफरेंट होने वाला है। और अब देखना ही होगा कि ये मैच जो है ये जाता किसकी तरफ है, ये पाकिस्तान जीतेगा या ये इंडिया जीतेगा। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड वर्ल्ड कप्स में, आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको पता है 7 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीता। तो अब ये 8-0 होगा या 7-1 हो जाएगा, ये स्ट्रीक टूटेगी, ये तो अब 14 तारीख को पता चलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जीत जाना यार, प्लीज़ प्लीज़ जीत जाना यार। हम ना और क्या मांगे अब आपसे, बस जीत जाना पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बेस्ट ऑफ लक यार, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। Peace out.